मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण से लड़ने के लाख दावे कर रही है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनके दावों की पोल खोलने के लिए वो तस्वीर काफी है। सुना आपने, छतरपुर में कुपोषित बच्चों की माताओं को मिलने वाले खाने में कीड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के बाद श्योपुर में कुपोषित बच्चों के आंकड़े लगातार इसीलिए बढ़ रहे हैं। ना तो बच्चों को रखने की सही व्यवस्था है, ना ही उन्हें पोषण युक्त खाना मिल रहा है। सर्वे के दौरान बच्चों की स्कैनिंग में 400 से 500 बच्चे कुपोषित पाए गए, और तो और उनकी जो माताएं हैं उनको किस तरीके का खाना दिया जा रहा है, तो बच्चों में तो कुपोषण आए गई। ये शिवराज के सुशासन की तस्वीर है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश सरकार के झूठ का पोल खोल रही है। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे कुपोषण पीड़ित लोगों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार मजाक कर रही है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर के जिला अस्पताल से आई है। यहाँ कुपोषित बच्चों की मां को मिलने वाले खाने में कीड़े मिले। इस अस्पताल में 25 कुपोषित बच्चों की माँ को पोषण आहार दिया जाता है। प्रशासन की कोशिश है कि यहाँ जिले में कुपोषण में कमी आए, इसके लिए माताओं को अस्पताल में पोषण आहार मिलता है। लेकिन देखिए माताओं को कैसा पोषण आहार मिलता है, इसकी पोल ये तस्वीरें खोल रही हैं। पौष्टिक आहार के नाम पर महिलाओं को जो सब्जी दी गई उसमें कीड़े मिले। क्या आया खाना में? खाना में जो दाल, सब्जी, दलिया, तो रोटी। इसमें क्या मिला आपको, कौन से कीड़े मिले? पापा तो जी हैं वो बेहुनिया की किल्ली हुनिया में होती है। कितनी किल्ली हैं उनमें? दो। कितने टाइम आया था खाना? 12 बजे। तो फिर क्या निकला उसमें? कीड़ा। कौन से? अस्पताल के खाने में कीड़े मिलने की खबर के बाद हंगामा शुरू हो गया। लोगों की नाराजगी बढ़ी तो अस्पताल में मौजूद नर्सों ने अधिकारियों से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि ये सही घटना पाई जाती है तो संबंधित जो खानदेश हो तारा दी जाती। क्या सर, क्या पता चला आपको, कीड़े क्या निकले? अभी मैं कल मैं सागर में था, मीटिंग में था, कल मैं सुबह पूरा और इस पर जनरल आपको दूंगा जो मैंने पाया उसमें। अगर कीड़े जिंदा निकले हैं तो खाने के बाद मैं आए होंगे, यदि मर रहे हुए कीड़े निकले तो उस खाने के सही होना चाहिए, तो देखना पड़ेगा कीड़ों की है ना, और उसका कार्रवाई की इसकी जांच कराएंगे। पूरे हॉस्पिटल में एक एनजीओ द्वारा सप्लाई किया जाता है, बाकी जगह कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किन परिस्थितियों में क्या हुआ है ये दिखवा देंगे और कोशिश करेंगे पूरे, हम तो यहीं की बात नहीं करते, पूरे जिले में मध्याह्न भोजन NRC में अच्छा खाना मिले, शुद्ध खाना मिले, ये कोशिश हमारी लगातार जारी है। पिछले दिनों ही कुपोषण से 8 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में हंगामा मचा था। सरकार ने कुपोषण पर श्वेत पत्र लाने की बात कही थी। हर साल करोड़ों रुपए कुपोषित बच्चों के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन सोचिए कुपोषण के शिकार बच्चों को कितनी मदद मिलती होगी। हरीश गुप्ता, इंडिया 24/7, छतरपुर। और स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुपोषित बच्चों को लगातार अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन ना तो बच्चों को रखने की सही व्यवस्था है, ना ही उन्हें पोषण युक्त खाना मिल रहा है। इस सर्वे के मुताबिक बच्चों की स्कैनिंग में 400 से 500 बच्चे कुपोषित पाए गए, इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में ना तो इनके लिए बेड है, ना बेहतर इंतजाम पोषण का। अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में सिर्फ 20 बेड है, ऐसे में तमाम बच्चों को बिस्तर तक नहीं मिल पा रहा। हालांकि हालात को काबू करने के लिए आदिवासी छात्रवासों से कुछ बेड मंगाए गए, लेकिन ये काम कम पड़ रहा है। बच्चों के परिवार का आरोप है कि उन्हें न्यूट्रिशनल फूड के नाम पर कच्चा जला खाना दिया जा रहा है, साथ ही साफ सफाई का रखा नहीं जा रहा ख्याल। ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में कुपोषित बच्चे क्या ठीक हो पाएंगे? एक बेहतर इन्वायरमेंट चूँकि उन्हें मिल नहीं रहा है, ना ही सुविधाएँ। अभी भी स्वास्थ्य महकमे के सर्वे का काम जारी है, ऐसे में बच्चों की तादाद बढ़ सकती है, लेकिन जब भर्ती बच्चों के लिए अस्पताल में की व्यवस्था नहीं है तो बाकी बच्चों का इलाज होगा कैसे? वहीं कुपोषित बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसे स्वास्थ्य विभाग रोकने में नाकामयाब अभी तक साबित हुआ है।